अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज का दिन हमारे बच्चे के लिए कितना खास है और आज ऐसे शुभ अवसर पर तुमने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया और तुम चाहती हो कि हम तुम्हें माफ कर दे? तुम्हें शर्म तक नहीं आई? तुम्हें कुछ भी कहना कुछ भी समझाना बेकार होता जा रहा है। जो काम करती हो उसे गलत करती हो। मुझे ऐसा लग रहा है हम सबको अपना काम खुद करना चाहिए। जो तुम्हारी हालत है ना, हम कल ही को भी कोई काम देंगे वो भी तुमसे बेहतर करेगी। राधिका, इतना कितना सर घूम रहा था तुम्हारा कि तुम्हें लाल कुमकुम और इस काले तिल में फर्क नहीं नजर आया? और अगर इतना सर घूम रहा था तुम्हारा, इतने चक्कर आ रहे थे, तो फिर खड़ी कैसे हो तुम इस वक्त यहाँ पे? तुम्हें तो यहाँ जमीन पे गिर जाना चाहिए। सॉरी दादी, हम दोबारा बना कर। कोई जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, कोई काम नहीं करोगी। सुजाता जी माँ, तुम जाकर तिलक की थाल तैयार करके लाओ। जी माँ, अभी ला। तुमने कुमकुम से पहले ही शुभ लाभ लिख दिया है। हे भोलेनाथ, प्लीज दफ्रम जी को उनके बिजनेस में ढेर सारी सफलता दीजिएगा। राधिका, घर के छोटे मोटे काम में लापरवाही मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य हो उसमें किसी भी तरह की चूक या लापरवाही को ना मैं बर्दाश्त करूंगी ना माफ करूंगी। जो हरकत तुमने आज की है ना, उसे जिंदगी में कभी भी दोहराना मत। समझी तुम? समझी? पापा, आप वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ले आइएगा ना, तो हम लोग वो भी ले चलेंगे। सीए का फोन आया था, वो कह रहा था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स आज के आज ही साइन करवाने पड़ेंगे किसी भी हालत में। जिनके पास से हम जमीन खरीद रहे हैं वो किसी काम से बाहर जाने वाले। ठीक है, मेरे कमरे में मैं लेकर आता हूँ। जी फाइल नहीं है। क्यों? प्रॉपर्टी के पेपर कहां चले गए? कल तो मैंने इसी में रखे थे। कहीं सुजाता ने तो नहीं? सुजाता, सुजाता जी, जी क्या हुआ? सुजाता, कल तुमने ब्रीफकेस बंद किया था ना? हाँ। मैंने इसमें प्रॉपर्टी के पेपर रखे थे। अब नहीं है, कहां गए? हमें नहीं पता पेपर्स कहाँ गए। हम सच कह रहे हैं, हमने आपके किसी भी पेपर्स को हाथ नहीं लगाया था। यहीं कहीं रखे होंगे, मिल जाएंगे। आप इतना परेशान मत होइए। हमने कुछ जाता, वो ओरिजिनल पेपर्स थे, उसकी कोई कॉपी भी नहीं है। ठीक से याद करके बताओ,
कहीं तुमने वो पेपर कहीं गिरा तो नहीं दी? नहीं नहीं जी, हमने हम सच कह रहे हैं, हमने आपके किसी पेपर्स को हाथ नहीं लगाया, हमने तो बस ये ब्रीफकेस बंद करके अलमारी में रख दी थी। हो सकता है आपने कहीं और पेपर्स रखे होंगे और आप खुद भूल गए। नहीं सुजाता, मैंने इसी में रखे थे। सुजाता लापरवाही तुम्हारी, और सवाल उल्टा मुझसे कर रही हो। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। पापा क्या हो गया, आप चिल्ला रहे हैं ऐसे? देखो सीए ने जो डीड के पेपर्स दिए थे मैंने इस फाइल में रखे थे। अब नहीं है। लेकिन पेपर्स ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं? पापा मैं ढूंढने में हेल्प कर देता हूँ। दिव्या मुझे ठीक से याद है, मैंने पेपर्स इसी फाइल में रखे थे और ये फाइल इस ब्रीफकेस में थी। पापा आप एक और बार देख लीजिए, मिल जाएंगे, यही होंगे पेपर्स। मैं हेल्प करता हूँ। एक मिनट दिव्या, ब्रीफकेस के साथ किसी ने छेड़खानी की है। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है ये ब्रीफकेस मैंने अलमारी में रखा था, लेकिन कल जब मैं वापस आया ये ब्रीफकेस अलमारी में नहीं था, बेड पे पड़ा था। सुजाता जी, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे कल भी पूछा था? हाँ हाँ, हमसे पूछा था आपने, और हम ही ने ये ब्रीफकेस बंद करके अलमारी में रखा था। एक काम करते हैं ना, नीचे चल के घर वालों से एक बार पूछ लेते हैं। हो सकता है गोलू को कुछ काम हो, उसने पेपर्स लिए होंगे। सुजाता गोलू को क्या काम होगा इन पेपर से? पापा हो सकता है ना कि गोलू भैया ने लिए होंगे पेपर्स। गोलू भैया ही तो हैं, एक बार पूछने में क्या अर्ज है पापा। चलिए ठीक है। नहीं चाचा जी, मैंने तो आपके ब्रीफकेस को हाथ भी नहीं लगाया। अगर गोलू भैया के पास भी नहीं है तो फिर पेपर्स कहाँ गए प्रॉपर्टी के? बस कुछ देर और फिर सबको पता चल जाएगा कागज हमने छुपाए हैं। वाह देवर जी, ये तरीका बहुत अच्छा है। काम की सफलता की बाबाई आप और आपके बेटे लूटे, और कोई गड़बड़ हो तो सीधा सवाल मेरे गोलू को पूछा जाता है, ऐसा क्यों? आई जी आप गलत समझ रही हैं। हम गोलू भैया पे शक नहीं कर रहे हैं, उन्हें बस पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने पेपर्स चेक करने के लिए या देखने के लिए लिए थे या नहीं, बस। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे ब्रीफकेस से पेपर जा कहां सकते हैं? राधिका कहीं ऐसा तो नहीं कि साफ सफाई करते वक्त तुमने पेपर्स इधर उधर कहीं रख दिए होंगे? वैसे भी आजकल तो गलतियां करने में तुम माहिर हो गई हो। हाँ आप भी ना। क्या राधिका क्या करेगी उन प्रॉपर्टीज के पेपर्स का? अगर घर का कोई कामकाज हो तो समझ में भी आता है, लेकिन बिजनेस के पेपर्स के बारे में राधिका को कहाँ पता होगा, क्या लेना देना है उसका उससे? पापा कल आपने मुझे कुछ पेपर्स दिए थे ना? हाँ, हो सकता है कि उन पेपर्स में गलती से प्रॉपर्टीज के पेपर भी आ गए हों। मैं एक बार जाके चेक करके आता हूँ। ठीक है बेटा, चेक करो। राधिका तुमने पेपर लिए क्या? बड़ी दादी आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी सच सबके सामने आ जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। अग्नि प्लीज मेरे बेटे को ऐसे छोड़ कर मत। पता नहीं क्यों लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। कहीं ना कहीं नाहक की जीवन साथी चुनने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अग्नि नाहक की जीवन साथी तो तुम्हें होना चाहिए, उस रूही को नहीं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। जी अरविंद जी, अब माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो जाएगी हमें। क्या आप यहीं आ रहे हैं? ठीक है मैं दिव्यम को बता दूंगा। पापा पेपर्स तो नहीं है ऊपर कमरे में। दिव्यम सीए साहब थोड़ी देर में यहीं आ रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको जवाब क्या देंगे। राधिका बेटा एक काम करो, मेरे रूम से वो ब्रीफकेस ले आओ, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। जी पापा जी। रिम जी पापा जी सब अपने ही सामान में खोजबीन कर रहे हैं। रुको मैं चेक करता हूँ, लाओ।
ऐसे पेपर कैसे मिल पाएंगे? हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबका शक हम पर जाए। मिले पेपर्स? नहीं पापा। एक काम करता हूँ, देखो मैं अरविंद जी को फोन करके बोल देता हूँ कि आज काम नहीं हो पाएगा, फिर कभी देखेंगे। तब तक एक काम करते हैं, पेपर्स को घर में ढूंढते हैं। नहीं नहीं, इससे पहले कि दिव्यन जी का नुकसान हो, हमें खुद पर शक लाकर वो पेपर्स सबके सामने लाने होंगे। क्या आजकल तो तुमसे इतनी गलतियों पे गलतियां हो रही है ना राधिका, कि तुम्हारा भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। परिवार के साथ साथ तुम्हारे मुन्ना को भी परेशान करके रखा है तुमने। क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधिका से फोन करके पूछे या उसे मिलकर आए? नहीं नहीं, उसे मिलने तो नहीं जा सकते। हम राधिका के पापा को ही कुछ बताते हैं, शायद वो, लेकिन वो भी क्या कर लेंगे, उन्हें बताएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे। हे भगवान, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। राधिका से मिलकर ही पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। ये लीजिए अनु जी, मिठाई। मिठाई किसके लिए जी? अरे हमने तो सरकारी योजना के तहत लोन अप्लाई किया था ना, वो पास हो गया है। अरे वाह, अब हम एक बड़ी जमीन पर अपनी दुकान खोलेंगे। बड़ी दुकान, बड़ा मुनाफा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे इस अच्छी खबर को अपनी राधिका बिटिया को तो बता दे। भगवान, क्या करें हम, कैसे ये पेपर सबके सामने लेकर आए? ये साड़ियों में छुपा कर ले जाए क्या? साड़ी धोने के बहाने बाहर ले जाएंगे और सबके सामने जाकर पेपर गिरा देंगे, फिर सारा का सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। हेलो। अरे खुशखबरी बताना चाहते हैं तुम्हें। सरकारी योजना के तहत लोन अप्लाई किया था ना, वो पास हो गया है। वो लोन पास हो गया? आपको बाजार में जमीन मिल गई है? ये तो बहुत खुशखबरी की बात है पापा। वैसे आपने जमीन के कागज सही से देख लिए हैं ना? हाँ सब पूरे हैं बेटा। पापा, जमीन बहुत अच्छी जगह है, एक बार वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा ना तो बहुत बढ़ोतरी होगी। पापा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे फोन ही कट गया, चलो फिर बात कर लेंगे। भोलेनाथ, सब ठीक होगा। हाँ बस पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ माँ जी? इसका जवाब तो हम तुम्हें सबके सामने नीचे चल कर देंगे। पर माँ जी, हुआ क्या है बताइए तो, हमसे कोई गलती हुई है क्या? पापा एक काम करता हूँ, मैं सीए को कॉल करता हूँ, उन्हें बोलता हूँ कि वो इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दे। माँ जी क्या हुआ है? माँ जी बताइए तो सही, आप हमें ऐसे क्यों ले जा रही हैं? कोई गलती हो गई है क्या हमसे? माँ जी रुकिए तो, क्या हो गया है प्लीज बताइए हमें। माँ जी छोड़िए, माँ जी हमारी बात सुनिए, बताइए तो सही हमारी क्या गलती है? माँ जी ऐसे क्यों ले जा रही हैं आप हमें, क्या हो गया है? माँ जी हमारी बात सुनिए प्लीज। हाँ ये क्या कर रही हैं आप? क्या तरीका है ये राधिका से पेश आने का? सुजाता, अब क्या गलती की है राधिका ने? गलती नहीं माँ, गुनाह किया है आपकी लाडली बहू ने। सुजाता साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो?
साफ साफ बात ये है मुन्ना के पापा कि जिस लड़की को आप इतने चाव से अपने घर की बहू बनाकर लाए थे ना, वो इस घर की बहू नहीं बल्कि आस्तीन का सांप निकली। माँ प्लीज। हम सही कह रहे हैं मुन्ना, हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। इस लड़की ने हमारे प्यार और इज्जत की 2 सेकंड में धज्जियां उड़ा करके रख दी है। अरे क्या नहीं दिया हमने इसे, क्या नहीं दिया, फिर भी इसने हमारा ही घर लूट लिया। सुजाता पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। साफ साफ बात ये है मुन्ना के पापा कि आपकी लाडली बहू ने हमारी जमीन चुरा ली है। क्या? जी, जिस जमीन के पेपर्स आप लोग उतनी देर से ढूंढ रहे थे ना, दरअसल वो इस राधिका ने चुरा कर अपने बाप को दे दी है। और वो बहुत जल्द उस जमीन पर नई बड़ी दुकान खोल रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप माँ? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मुन्ना, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम सबके विश्वास को इसने धोखा दिया है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। हमने खुद सुना है, खुद सुना है हमने अपने कानों से। ये बाप बेटे आपस में बात कर रहे थे, हमें लूट कर दोनों आपस में खुशियां मना रहे थे। भोलेनाथ, ये कौन सी नई विडंबना है आपकी? हम तो खुद पर इल्जाम लेकर इस घर से दूर होना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो बात हमारे परिवार पर आ रही है। प्लीज भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। क्या बकवास कर रही हो सुजाता? माना तुम्हें राधिका पहले पसंद नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाओगी। बिल्कुल सही बात है सुजाता, राधिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये बात हम सबको पता है। हाँ माँ जी, आपको गलतफहमी हो गई है, हम पापा से उस जमीन के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो तो पापा को सरकारी लोन पर मिली है, पापा जी की जमीन से उस जमीन का कोई लेना देना नहीं, हमारा यकीन मानिए। अच्छा, तुम्हारा यकीन माने ना, तो ठीक है, मिलाओ अपने पापा को फोन, मिलाओ, हम भी तो सुने। अभी का भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुजाता, सोच समझ कर उंगली उठाओ, तो हमारे घर की बहू पर ही नहीं मेरे बचपन के दोस्त पे इल्जाम लगा रही हो। देवर जी, अगर सुजाता इतना बड़ा दावा करी है तो यूं ही हवा में तो नहीं कर रही है ना? मामले की नजाकत को वो समझती है, अगर वो कह रही है तो एक बार फोन करके सच्चाई का पता कर लीजिए ना, इसमें हद ही क्या है। मुझे इतना भरोसा है राधिका पर माँ, अगर वो कह रही है कि वो अपने पापा के साथ किसी और जमीन के बारे में बात कर रही है, तो वो जरूर किसी और जमीन के बारे में बात कर रही होगी। टिफिन जी को आज भी हम पर पूरा यकीन है। और वैसे भी हमारे पेपर्स कल घर पे आए हैं और कल के बाद राधिका तो घर से बाहर निकली नहीं है। सुजाता, तुम एक तरफा बात सुन करके राधिका के ऊपर इल्जाम लगाने चल पड़ी, कैसे भूल गई कि ये वही लड़की है जिसने हमारे परिवार के लिए, हमारे खानदान के लिए कितना कुछ अच्छा भी किया है। गुंडों से लड़ी है वो, हमारी धन संपत्ति बचाई है उसने। और तुमको याद है जब जग्गू और मैं रंजीत को कार देना चाहते थे, तो ये ही लड़की, इसने अपने पापा के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। ये बिल्कुल राजी नहीं थी कि हम एक कार तक दें उसे।
हमारी बात ना मानकर राधिका ने अपने पापा के लिए अपनी मेहनत से कार दिलवाई है। जो लड़की अपने पापा के लिए कार अपनी मेहनत से खरीद सकती है, तुम्हें लगता है जमीन के लिए वो अपने पापा के साथ मिलकर साजिश रचेगी, इस तरह की हरकत करेगी हमारे परिवार के खिलाफ? ठीक है माँ, मान लेते हैं कि हम गलत है। हमारी तसल्ली के लिए, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए एक बार इस राधिका के सामान की तलाशी लेने में कोई अर्थ नहीं है। कोई तलाशी नहीं ली जाएगी, कोई भी तलाशी नहीं ली जाएगी माँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि राधिका ऐसा कुछ कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मुन्ना, क्यों नहीं कर सकती? अरे छोटे से घर से है ये, दो चार सोने के गहने और कुछ पैसों से जिंदगी नहीं काटी जाती है। असल चीज तो होती है ये जमीन जायदाद। पहली बार इसके हाथ में इतनी मोटी चीज लगी है, इसने भी सोचा होगा कि काम करते हैं ये पेपर चुरा लेते हैं और अपने पापा को दे देते हैं, कम से कम उनका बुढ़ापा तो ऐश से कटेगा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मम्मी पापा को इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए, वो दोनों तो बस हमारी खुशियां चाहते हैं। पर प्लीज, आपको जितने इल्जाम हम पर लगाने आप लगा लीजिए, लेकिन उन्हें कुछ मत कहिए। सुजाता जब कह रही है तो मान लेते ना सुजाता की बात, देख लेते हैं राधिका का कमरा, इसे सुजाता को भी तसल्ली मिल जाएगी ना। शायद भोलेनाथ की यही मर्जी थी कि ऐसे हालातों में वो पेपर सबके सामने आए। आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है, हमें खुशी है कि हम बड़ी दादी से किया हुआ वादा पूरा कर पाए, लेकिन हमारे पापा पर लगे इल्ज़ाम कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? हमारे चक्कर पे उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी। आज तक अपने मम्मी पापा का मान सम्मान बरकरार रखा है हमने, शादी के बाद पति की भी शान बनना चाहते थे, पर हालातों ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया है कि आज हम दिव्यम जी की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाएंगे। बस आप सब कोई माने या ना माने, यहाँ पर बात राधिका की नहीं है माँ, बात हमारे मुन्ना के नुकसान की है। इसलिए अपनी तसल्ली के लिए हम एक बार राधिका के सामान की तलाशी जरूर लेंगे। माँ, माँ।